हाँ तो रोते इस वीडियो के अंदर हम अशरफी हॉस्पिटल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए जो कंपनी है 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 17 से 18 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी है ये कंपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यहाँ पे जो झारखंड के लोग हैं उनको यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। इनका हमें यहाँ पे एक हॉस्पिटल झारखंड के अंदर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए नयन प्रकाश सिंह जी और हरिंदर सिंह जी ने ये इन दोनों ने मिलकर ये कंपनी को स्टार्ट किया था और उनकी जो माँ है जिनका नाम है अशरफी देवी उनके नाम पे उन्होंने ये हॉस्पिटल को स्टार्ट किया था। अगर हम ये कंपनी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनके यानी कि अगर इनके हॉस्पिटल की अगर हम बात करेंगे इनके हॉस्पिटल में अराउंड हमें यहाँ पे 250 बेड्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं और अराउंड 2 डिकेड्स यानी कि लगभग 20 साल से यहाँ पे जो धनबड़ झारखंड में जो धनबड़ करके जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये कंपनी को सर्विसेज यानी कि जो वहाँ के लोग हैं उनको यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हुए हमें पे ये नजर आ रहे हैं। अब अगर हम उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे काम वगैरह करते हैं और उसके अलावा यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में भी इनके कोलेबोरेशन वगैरह वो यहाँ पे ये कंपनी ने लिखा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि लगभग 250 बेड का हमें यहाँ पे ये कंपनी का हॉस्पिटल यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पे यानी कि कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाती है। देखिए कार्डियोलॉजी हो गया, जनरल मेडिसिन यानी कि जो नॉर्मली एक मेडिकल सेंटर होता है तो वैसे ये हमें समझना चाहिए। उसके अलावा डे केयर सर्विसेज हो गई, पेडियाट्रिक्स हो गया, नैनोटोलॉजी हो गया, ऑप्टेरिक्स हो गया, जेनोलॉजी हो गया, ये सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर क्रिटिकल केयर, पेन मैनेजमेंट, तो ये जो भी नॉर्मली थेरेपीज वगैरह होती है तो वो सारी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए यहाँ पे जो इनका एक कैंसर हॉस्पिटल जो इनका रंगूनी झारखंड के अंदर जो बन रहा है तो वहाँ पे थोड़ी पार्ट फंडिंग यहाँ पे कंपनी उसके लिए यूज करने वाली है। फिर उसके अलावा यहाँ पे कंपनी लीज होल्ड बेसिस पे लैंड को एक्वायर करेगी जो हेल्थ मैनेजमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पे जो हमें यहाँ पे रांची झारखंड के अंदर यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़े ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का आईपीओ हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जब ये कैंसर हॉस्पिटल हमें यहाँ पे कंपनी का बनता हुआ नजर आएगा फिर वहाँ से फिर कंपनी का रेवेन्यू हमें स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, वहाँ पे भी एक नई प्रॉफिटेबिलिटी हमें स्टार्ट होती हुई नजर आएगी और ये कंपनी यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट पे यहाँ पे लैंड वगैरह एक्वायर करेगी तो इसमें भी कहीं ना कहीं ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी लैंड एक्वायर कर रही होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, ये कंपनी डेफिनेटली आपके रडार पे होनी चाहिए लिस्टिंग के बाद भी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में 54 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद में नंबर 66 करोड़ के लगभग हुआ था और अभी अगर हम देखेंगे 73 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए हॉस्पिटल इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे ये कोविड वाला ईयर था तो ये ईयर से भी हमें यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ हमें आती हुई नजर आ रही है, ये हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे लगभग 3.5 करोड़ के लगभग प्रॉफिट का नंबर था और अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 8 करोड़ के लगभग की कंपनी के प्रॉफिट के नंबर्स नजर आते हैं। देखिए थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि नंबर हमें यहाँ पे मैनिपुलेटेड कंपनी का नजर आता है लेकिन इतना ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 3.5 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी कंपनी के मार्जिन हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं और लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे लगभग 11% के लगभग का कंपनी का मार्जिन हो गया है। आप देखिए इतना ज़्यादा मार्जिन मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता जब आप इतने छोटे लेवल पे काम करते हो, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर थोड़ा कुछ यहाँ पे कंपनी ने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ा के यहाँ पे ये जो 23 वाले नंबर्स हैं यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा के दिखाया है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 जुलाई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 19 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 52 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है, यहाँ पे 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,04,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 26.94 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे आईपीओ नजर आता है, इसमें से अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 9 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे लगभग ये बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनियां में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे 24 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 25 जुलाई को रिफंड मिल जाएगा, 26 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 27 जुलाई को ये कंपनियां में लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। ये लॉट साइज के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, तो अगर आपको अच्छे नई कैटेगरी में अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी है तो आपको यहाँ पे 2 लॉट से यानी कि अगर आपको 2 लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आप यहाँ पर आपको अच्छे नई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। रिटेल कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे सिर्फ 1 लॉट की एप्लीकेशन ही आप यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख का जो मैक्सिमम बैंड हमें रिटेल कैटेगरी में नजर आता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 लॉट लगाने जाओगे तो 2,08,000 रुपये यहाँ पे वो हो जाएंगे।
अब अगर हम यहाँ पे एट दी एंड अगर हम कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 100 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल कंपनी ने 8 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे हार्डली 12-13 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आती है, और अगर हम आईपीओ के प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी अगर हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे एज अ होल ये आईपीओ मुझे काफी अच्छा नजर आता है। अभी कैंसर हॉस्पिटल भी कंपनी का बन रहा है, पूरा पैसा ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी मंगा रही है। मेरे ख्याल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग 20-30% के लगभग की मुझे लगता है कि मिनिमम लिस्टिंग यहाँ पे कंपनी की होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कंपनी मार्केट को अगर ज्यादा अच्छी लगेगी तो 50% से भी ज्यादा के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो आपको लिस्टिंग के बाद में बाय करना चाहिए। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर ये कंपनी हार्डली 40-50% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे थोड़ा रिस्क लेकर आप यहाँ पे ये कंपनी को लिस्टिंग के बाद भी आप इसको बाय कर सकते हो। और वहाँ पर देखा जाए तो लगभग उसके बाद में मुझे लगता है कि लगभग अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 8 करोड़ के लगभग की तो वहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 25-30 का रेशियो कंपनी को मिलना चाहिए। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 250-300 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का हो सकता है। तो डेफिनेटली ये कंपनी के अंदर आपने लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए, और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको लिस्टिंग के बाद में भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एसआरएफई हॉस्पिटल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।